और AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बरेली में जनसभा की है। ओवैसी चैनपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे थे और इस दौरान हिजाब को लेकर ओवैसी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत के संविधान में सबको ये अधिकार है कि कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, इसकी आजादी है। उन्होंने कहा कि हिजाब नकाब मुस्लिम महिलाओं के लिए कुरान की आयत है और भाजपा इसी पर राजनीति कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है पुट्टुस्वामी का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि भारत के संविधान में अब चॉइस एक फंडामेंटल राइट है। कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता कि कौन क्या पहने, कौन क्या खाए। संविधान कॉलेज या स्कूल में जाने से सस्पेंड नहीं होता, संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। यूपी में पहले चरण का मतदान खत्म, लेकिन उससे पहले आज दूसरे चरण के चुनाव को लेकर तमाम दलों के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी। इस समय काफी समय से वर्चुअल रैली करते आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर में जनसभा की। इस दौरान पीएम के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए विपक्षियों खासकर सपा पर बड़ा हमला बोला। तो ये तस्वीरें हैं इस जनसभा की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे और यहां से उन्होंने तमाम विकास योजनाएं, योगी सरकार के कामकाज के साथ साथ विपक्ष पर करारा हमला बोला। उनके इस पूरे संबोधन से कई अहम चीजें निकल करके सामने आई। वो बुलेट पॉइंट्स क्या हैं इस संबोधन के, आप भी सुनिए। उनके नसीब में सत्ता लिखी नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया है और इसलिए बड़ बोले वचन देना, कुछ भी वचन दे देना, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, उनका क्या जाता है? आना तो है नहीं, करना तो है नहीं, बोलते जाओ। आप मान के चलिए, जब कोई बड़े बड़े वादे करता है ना, तो समझ लेना वो खोखले ही होंगे, गैर जिम्मेदारी होंगे। और परिवारवादी लोग, एक पूरी पार्टी परिवारवादी, जनता से लगातार खोखले वायदे किए जा रहे हैं। वो इसी सोच पर चल रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश की जनता इनके पुराने कारनामों को याद करके फिर से कभी उनको घुसने देने वाली नहीं है।